आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, एक सज्जन आए मिलने के लिए और उन्होंने पूछा कि भाई आप स्वयं को श्री अवतार का दोस्त समझते हैं, दोस्त सखा मित्र बोलते हैं आप, तो आपकी दोस्ती हुई उनसे कब और उनके संबंध में आप जानते हैं क्या क्या। मैं मुस्कुराया, बोला कि श्रीमान, मैं निश्चय ही श्री अवतार का सखा हूं और हमारी उनसे मित्रता यूं तो हजारों सालों से है, लेकिन भौतिक शरीर में, इस भौतिक देह में 1996 ईस्वी से, और मैं उनके संबंध में शेष अन्य जितने भी मानव हैं इस धरती पर सबसे ज्यादा मैं उनको जानता हूं। स्वयं श्री अवतार के बाद यदि अन्य व्यक्ति में से सबसे अधिक जानता है कोई, तो वह मैं हूं। व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक साधारण सा दिखने वाला बाबा जी और अपने आप को सबसे निकट का बोल रहा है। तो सज्जन ने पूछा कि आप यह बताइए कि श्री भगवान की वेशभूषा क्या है। साथ ही मित्र बहुत सारे प्रश्न वे किए हमसे और मैंने क्या क्या जवाब दिया वो मैं सब आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि यह ज्ञान अधिकतम लोगों तक पहुँचे और श्री अवतार के संबंध में जानकारी लोगों की बढ़े। सज्जन ने पूछा कि श्री अवतार का ड्रेस कैसा है, वेशभूषा। मैंने कहा कि भाई सहज बिल्कुल न, आप यह बताएं कि वे गृहस्थ भेष में रहते हैं या फिर साधु सन्यासी के वेश में रहते हैं। मैंने कहा भैया वे सहज वेश में रहते हैं, आप गृहस्थ और साधु वेश दोनों से ऊपर बिल्कुल स्वाभाविक रूप में, आप इस बात को समझाइए थोड़ा ठीक से मुझे। और मैंने कहा कि देखिए मित्र, वे स्वाभाविक रूप में रहते हैं, श्री भगवान की दाढ़ी थोड़ी है बड़ी, तो दाढ़ी बड़ी होना माने सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में। वे जानबूझकर दाढ़ी को बढ़ाते नहीं है, दाढ़ी तो स्वतः बढ़ती है। और रही वेश की बात, रंग की बात, वस्त्रों के रंग की बात, तो आप रंग चिकित्सा समझते हैं ना, रंग के भी द्वारा उपचार होता है। तो श्री भगवान वैसा ही पहनते हैं वस्त्र जो उनके शारीरिक स्वास्थ्य हेतु उत्तम है। अब रंग चिकित्सा तो हम इस वीडियो में आपको समझा नहीं सकते, अन्य वीडियो में समझा देंगे। तो जैसा रंग शरीर मन हेतु स्वास्थ्य वर्धक है वैसा रंग वे पहनते हैं, और श्री भगवान हेतु गेरुआ रंग सबसे ज्यादा अच्छा है, और इसलिए वे गेरुआ रंग सबसे ज्यादा लाइक
करते हैं। और सज्जन ने पूछा कि फिर भोजन क्या करते, सामान्य भोजन या फिर खास तरह का? और मैंने कहा मित्र वे सामान्य भोजन ही करते हैं, शाकाहार ही लेते हैं, लेकिन वे सबसे ज़्यादा पसंद जो करते हैं वह ताजे हरे रसीले फल और सलाद, और इसके बाद अंकुरित अनाज भी लेते हैं और अन्य शाकाहार भी लेते हैं। वे सज्जन हमसे पूछते हैं कि योगी है कौन, योगी कहते हैं किसे? तो योगी को समझने के पहले आप योग को समझ लीजिए। योग क्या है? योगः चित्तवृत्तस्य निरोधः। योग क्या है? अपनी चित्त वृत्तियों को रोकना, निरोध करना योग है। योग क्या? जिस भी विधि के द्वारा, उपाय के द्वारा हमारा मन चित्त शांत होता हो, एकाग्र होता हो, स्थिर होता हो, वृत्ति विहीन होता हो, वह योग है। और जो ऐसा है करते वे योगी। व्यक्ति ने पूछा कि तो सन्यासी कौन है? मैंने कहा मित्र आप लगता है मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्या? तो नहीं नहीं भाई, आप बताओ आज कि सन्यासी कौन है। मैंने कहा कि सन्यासी न्यास माने स्थापना, जो सन्यास है, जो संपूर्ण रूप से न्यस्त है। कहाँ, किस में? आत्म भाव में, परमात्म भाव में, वह सन्यासी है। और जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा में संपूर्ण रूप से होगा न्यस्त, होगा स्थापित, होगा स्थिर, तो व्यक्ति की सांसारिक इच्छा, तृष्णा, कामना, वासना समाप्त हो चुकी होगी। वरना वह आत्मा परमात्मा के भाव में संपूर्ण रूप से स्थिर स्थित रह ही नहीं सकता है। वह फिर अधूरा रहेगा, थोड़ी देर के लिए रहा यहां और फिर उसके बाद संसार में भागेगा। लेकिन जो संपूर्ण रूप से स्थापित होगा तो वह संसारिक आकर्षणों से भी हो चुका होगा मुक्त, और सांसारिक आकर्षणों से, तृष्णा वासना से जो मुक्त है वही है सन्यासी। और मित्र जो सन्यासी है वही हो सकता है पूर्ण योगी भी, क्योंकि बिना सन्यासी बने संभव नहीं है कि पूर्ण योगी कोई बन जाए। अगर होगा भी, बनेगा भी, तो फिर आधा अधूरा ही होगा वो। जैसे कि दो चार घंटे अध्ययन भी करने वाले छात्र होते हैं, लेकिन अगर छात्र बहुत बड़ा विद्वान बनना चाहता हो, यदि वह IAS की परीक्षा को चाहता हो उत्तीर्ण करना, तो दो चार घंटे के अध्ययन से वह ऐसा नहीं कर सकता। और इसके लिए फिर डूबना होगा उसको, रात दिन उसमें लगना पड़ेगा, इसके बाद ही वह सफल हो सकेगा। वैसे ही थोड़ी देर ध्यान धारणा अभ्यास से कोई संपूर्ण योगी नहीं हो सकता है। यदि बनना है उसे पूर्ण योगी तो सन्यासी बनना ही होगा। सज्जन हमारे जवाब से संतुष्ट हुआ।
और फिर माथा टेक कर यहाँ से प्रस्थान किया। और अच्छा लगा कि व्यक्ति में जिज्ञासा थी और मैं हर जिज्ञासु का आदर करता हूँ। मित्रों, आप भी ज्ञान ध्यान योग धर्म से संबंधित सवाल प्रश्न हमसे पूछते रहें और हम आपको वीडियो बनाकर जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद।